आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रिक एंड स्टैटिक, इलेक्ट्रॉन एंड स्टैटिक, ये सभी कोई बोलते हैं। लेकिन आइए हम लोग लेक्चर को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं और थोड़ा सा प्रीवियस सेक्शन से बढ़ते हैं। क्या प्रीवियस सेक्शन? हम लोग थोड़ा नेचर के बारे में जानते हैं कि नेचर दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। पहला रेडिएशन, यानी कि जो हीट वेव ट्रेवल करती है, रेडिएशन ट्रेवल करती है, वो एक वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है। वेव की अपनी एक अलग करेक्टरिस्टिक्स होती है, फाइन, उसके पास वेवलेंथ होती है, उसके पास फ्रीक्वेंसी होती है, उसके पास एक फेज होता है। दूसरी चीज नेचर की बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज पार्टिकल। पार्टिकल मीन्स मैटर। नेचर यानी कि मैटर, नेचर का जो दूसरा पार्ट है जिसको मैटर बोलते हैं, ठीक है, मैटर के पास उसकी अपनी एक अलग करेक्टरिस्टिक्स है। कौन सी करेक्टरिस्टिक्स है? उसके पास मास है, वो फोर्स लगा सकता है। अगर मैं किसी बॉडी को अपने पास रखता हूं, अपने हाथ के ऊपर रखता हूं, तो ये बॉडी मेरे हाथ पर एक फोर्स लगाती है। अगर मैं इस बॉडी को ऊपर से ड्रॉप करता हूं तो ग्रेविटी इसको खींच सकती है। तो हमें एक टाइप का फोर्स पता है कि किस टाइप का ये फोर्स लगाती है। अगर इस बॉडी के पास मास है, अर्थ के पास मास है, तो अर्थ इस बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, खींचेगी। तो मास किसी भी पार्टिकल की, किसी भी मैटर की एक इनहेरियंट प्रॉपर्टी है। उस इनहेरियंट प्रॉपर्टी की वजह से उसके पास एक इनहेरियंट फोर्स है, एंड दैट इनहेरियंट फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स। और वो ग्रेविटेशनल फोर्स, जब दो बॉडीज के पास मास है तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो एक दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल, इफ आई ड्रॉप अ बॉडी, देन दिस बॉडी इज अट्रैक्टेड बाई अर्थ, फाइन, सो इट गोइंग डाउनवर्ड। बट मेरे पास, मेरे हाथों पे भी मास है, मेरे हाथों का अपना एक अलग मास है, तो वाई डोंट ये बॉडी यहां क्यों नहीं स्टिक रह गई? क्योंकि मास एक दूसरे मास पर फोर्स लगा सकता है, फाइन। बट द थिंग इज दैट हमने उसके बारे में जानने की कोशिश की, हम लोगों ने उसके बारे में पढ़ा, रिसर्चर्स ने उसके बारे में स्टडी किया, तो पता लगा कि अर्थ का मास हमारे सराउंडिंग के मास से सबसे ज्यादा है, एंड हैवियर इज द मास, मोर इज द अट्रैक्टिव फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटेशन। तो हमारे अर्थ के सराउंडिंग में जितनी भी चीजें हैं उन सबसे ज्यादा मास अर्थ का है, इसलिए अर्थ अट्रैक्ट करती है सभी चीजों को अपनी तरफ। सन के चारों तरफ सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। सन का ग्रेविटेशन मून, अर्थ, जुपिटर एटसेट्रा, इन सब के कंपैरिजन में ज्यादा है, तो सन से सभी प्लैनेट बाइंड रहते हैं और रिवॉल्व करते हैं। हमने नेचर में देखा कि एक दूसरे टाइप का फोर्स है। कौन से टाइप का फोर्स है? लेट्स सी। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल करके बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक मार्कर है, ठीक है। इफ आई प्लेस दिस मार्कर हेयर, मैं क्या देखता हूं यहां पर? कोई एक्शन नहीं है। बट आई, इफ आई रब इट, अगर मैं अपने इस मार्कर को रब करता हूं, ठीक है, व्हाट विल हैपन? देखिए, बड़ा ही एक अलग बिहेवियर शो होगा। व्हाट विल हैपन नाउ? दिस एल्यूमिनियम स्ट्रिप इज अट्रैक्टेड बाय दिस पेन, ठीक है, मार्कर पेन। व्हाट विल हैपन एग्जैक्टली? अगेन, फाइन। सो व्हाट टाइप ऑफ फोर्स इज दिस? मास इज ऑल्सो हेयर, मास इज ऑल्सो हेयर। This is a aluminium strip and this is a plastic pen. So what is the difference? This is also the attraction force. So what I did, that I electrified it. मैंने इसको क्या किया? Electrified किया। मैंने इस पर work किया। मैंने इसको क्या किया? Charge किया। ठीक है ना? जब किसी भी body के पास एक ability आ जाए कि वो उस पर एक force लगा सकता है, दूसरी body पर एक force लगा सकता है, तो मैं क्या बोलूंगा? दैट बॉडी इज चार्ज बॉडी, फाइन। इसके पास एबिलिटी है कुछ अप्लाई करने की, क्या अप्लाई करने की? फोर्स अप्लाई करने की, फाइन। तो दूसरे टाइप का फोर्स हम लोगों ने नेचर में देखा, और वो फोर्स कौन सा था? इलेक्ट्रिकल फोर्स, ठीक है। तो हमने यहां पर स्टडी किया, दैट इज द नेचर इज मेड बाई द टू थिंग्स, ठीक है। नेचर दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। नंबर वन रेडिएशन, रेडिएशन,
एंड प्लस पार्टिकल, पार्टिकल फाइन। रेडिएशन, रेडिएशन के पास में वेव बिहेवियर होता है और पार्टिकल के पास में मास बिहेवियर होता है। एक चीज दोनों के पास हो सकती है जैसा मैंने बताया, दैट इज एनर्जी, एनर्जी दोनों के पास एनर्जी हो सकती है। ठीक है, मास क्या अप्लाई कर सकता है, इट अप्लाइज द फोर्स। ठीक है, अब ये फोर्स भी कितने टाइप का हुआ, ये दो टाइप का फोर्स हुआ। एक कौन सा फोर्स हुआ, ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल फोर्स, और दूसरा फोर्स कौन सा, इलेक्ट्रिकल फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो ये दो टाइप के फोर्स हुए। तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं नाउ, अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की तरफ मूव करेंगे, हम लोग स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। इट मींस द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट चार्ज एट रेस्ट। ठीक है, अब मैंने जब चार्ज एट रेस्ट बोला तो हमने मैकेनिक्स में यह भी पढ़ा हुआ है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की दो पोजिशन हो सकती है, रेस्ट और मोशन। तो चार्ज एट रेस्ट वी विल स्टडी इन द ब्रांच दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एंड चार्ज इन द मोशन। चार्ज अगर मूव करेगा तो वो चेंज हो जाएगी दो डिवीजन में, वो ब्रांच कौन सी, करंट इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इन विच वी विल स्टडी अबाउट व्हाट इज एग्जैक्टली द चार्ज, व्हाट डू यू मीन बाय द चार्ज, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, व्हाट चार्ज कैन डू, हाउ द चार्ज इज क्रिएटेड। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम ये समझ चुके हैं कि नेचर के अंदर दो टाइप के फोर्स है, वो दो टाइप के फोर्स कौन से हैं, एक ग्रेविटेशनल फोर्स और एक इलेक्ट्रिकल फोर्स। बट दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा लगता है, चाहे मास छोटा है चाहे मास बड़ा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ही लगेगा। लेकिन इलेक्ट्रिकल फोर्सेस तभी लगते हैं जब हम किसी भी बॉडी पर वर्क करते हैं, जब हम किसी भी बॉडी को क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। ठीक है, तब केवल इलेक्ट्रिकल फोर्सेस एक्टिव होते हैं। बाकी और भी फोर्सेस हैं जो कि हम मॉडर्न फिजिक्स के अंदर स्टडी करेंगे, दैट इज माइक्रोस्कोपिक फोर्सेस, यानी कि न्यूक्लियर फोर्सेस। हम लोग अभी यहां पर मैक्रोस्कोपिक फोर्सेस के बारे में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है वो मैक्रोस्कोपिक फोर्सेस है। एक और डिफरेंस है इन दोनों के बारे में, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स लॉन्ग रेंज फोर्स है, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक शॉर्ट रेंज फोर्स है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स की स्ट्रेंथ छोटी होती है, कम होती है। ठीक है, स्ट्रेंथ की वैल्यू दैट इज इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फोर्स की इंटेंसिटी कम होती है बट इलेक्ट्रिकल फोर्सेस की इंटेंसिटी काफी ज्यादा होती है। नाउ तो व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग, दैट इज बॉडी इज चार्ज्ड। सो इफ अ बॉडी इज एबल टू अट्रैक्ट और रिपेल अनदर बॉडी, ठीक है, दैट इज दैट वी कैन से द बॉडी इज चार्ज्ड बॉडी। तो मैटर की दो स्टेट हो गई इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, एक द मैटर कैन अप्लाई फोर्स व्हेन इट इज चार्ज, द मैटर कैन नॉट अप्लाई फोर्स व्हेन इट इज नॉट चार्ज। सो ये इसकी दो स्टेट्स हो गए। व्हाट वी फाउंड दैट कि अगर ग्लास रॉड को सिल्क से रब करते हैं तो इन दोनों के पास एबिलिटी आ जाती है कि ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। फाइन, सो वी कैन से दैट इट हैव एबिलिटी दैट दे कैन अट्रैक्ट द स्मॉल पीस ऑफ पेपर, एल्यूमिनियम फॉइल, जो कि मैंने आपको अभी दिखाया था। ठीक है, सो वी कैन से द बॉडी इज चार्ज्ड। फाइन, और व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, तो ये जो एजेंसी है वो एजेंसी जो कि एबिलिटी क्रिएट करती है अट्रैक्शन और रिपल्सन की, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। फाइन, नाउ सो द बॉडी विच एक्वायर दिस एबिलिटी इज कॉल्ड चार्ज बॉडी, एंड दिस चार्ज इज डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ द फ्रिक्शन, सो इट इज कॉल्ड द फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। सो बेंजामिन फ्रैंकलिन सजेस्टेड दैट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ चार्जेस। नाउ इफ आई रब अ ग्लास रॉड विद सिल्क, देन व्हाट विल हैपन, द ग्लास रॉड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज एंड द सिल्क क्लॉथ बिकम्स अ नेगेटिवली चार्ज। फाइन, कैसे हमने बोला कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो थोड़ा सा फिर कॉन्सेप्ट पर आते हैं हम लोग कि इफ द देयर आर टू मासेस, अगर मैं मेरे पास एक मास है m, दूसरा मास है m, ठीक है, दोनों को ऐड करूंगा तो मास डबल हो जाएगा। बट यहां पर
जब बॉडी चार्ज होती है तो उसके पास एक एबिलिटी आ जाती है, ठीक है, कौन सी, अट्रैक्शन और रिपल्शन की, फाइन। तो जैसे ही फॉर एग्जाम्पल मैंने सिल्क क्लॉथ को ग्लास से रब किया या ग्लास से सिल्क क्लॉथ को रब किया, ठीक है, इसके पास अपनी एक एबिलिटी है, इसके पास अपनी एक एबिलिटी है, ठीक है। अब मैं क्या देखता हूं जब दोनों को वापस से मिक्स कर देता हूं, मैं क्या देखता हूं कि वापस से जब मैं पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करूंगा तो वो अट्रैक्शन नहीं होगा, वो अट्रैक्शन फोर्स जीरो हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस बॉडी पर एक टाइप का चार्ज क्रिएट हुआ, सिल्क क्लॉथ पर दूसरे टाइप का चार्ज क्रिएट हुआ, और जब मैंने इन दोनों को मिक्स कर दिया, इसका मतलब इस चार्ज ने इस चार्ज को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो हमें एक कन्वीनियंट फॉर्म बनानी थी, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सजेस्ट किया कि चार्ज कितने टाइप के हो सकते हैं। तो एज पर द मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में भी ऐसा ऑपरेशन होता है। कैसा ऑपरेशन होता है? अगर +2 है, -2 है और मैं दोनों को ऐड करूंगा, वैल्यू क्या आएगी? जीरो। इट मींस हमने यहां पर दो टाइप के चार्जेस बनाए, कौन कौन से चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, फाइन। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, नंबर वन पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, ठीक है। सो टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, विच चार्ज, पॉजिटिव एंड सेकेंड चार्ज दैट इज नेगेटिव, ये दो टाइप के चार्जेस हो गए, ठीक है। नाउ किस बॉडी को किस बॉडी के साथ रब करने पर कौन सा चार्ज डेवलप होता है, दिस इज अगेन एक्सपेरिमेंटल फॉर्म, ठीक है। तो एक सीरीज जो थी फैराडे ने डेवलप की, ठीक है, एक सीरीज जो थी वो फैराडे ने डेवलप की, और उसने अलग अलग मटेरियल को अलग अलग मटेरियल से रब किया, ठीक है, और चेक किया कि किसके ऊपर कौन सा चार्ज है। सो नाउ हमारे लिए एक सिंपल, हमें दो चीजें याद रखनी है, अगर मैं ग्लास रॉड को सिल्क से रब करूंगा, ग्लास पर हमेशा पॉजिटिव आएगा, सिल्क पर हमेशा नेगेटिव आएगा। सो ये जो एक सीरीज है, ये सीरीज भी, ये जो मैंने ग्लास और सिल्क की बात की है, ये भी एक फेराडे की इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज का पार्ट है। सो नाउ आई विल डिस्कस हेयर द सीरीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कि कौन सी कौन से बॉडी को किसके साथ अगर हम रब करेंगे तो कौन सा चार्ज डेवलप होगा। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज के बारे में। अगर मैं ग्लास को रब करता हूं मेटल के साथ में, तो मेटल पर चार्ज आएगा नेगेटिव और ग्लास पर चार्ज आएगा पॉजिटिव। अगर मैं फ्लेनल को रब करता हूँ हार्ड रबर के साथ में, तो हार्ड रबर फ्लेनल पर चार्ज आएगा पॉजिटिव और हार्ड रबर पर आएगा चार्ज नेगेटिव। अगर मैं ग्लास को रब करता हूँ प्लास्टिक के साथ में, तो ग्लास पर पॉजिटिव चार्ज और प्लास्टिक पर नेगेटिव चार्ज। इट मीन्स ग्लास को अपने नीचे वाली सीरीज में, ठीक है, फ्लेनल, वुल, सिल्क, मेटल, हार्ड रबर, वैक्स, प्लास्टिक एट्सेट्रा, किसी भी सीरीज में, इस सीरीज के अंदर किसी भी मटेरियल से अगर मैं ग्लास रॉड को रब करता हूं, तो ग्लास पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। और नो डाउट आपको दो चीजें जरूर याद रखनी है एटलीस्ट, कि ग्लास और प्लास्टिक को रब करेंगे, ग्लास पर पॉजिटिव, प्लास्टिक पर नेगेटिव, ग्लास और सिल्क को रब करेंगे या कैट फर को रब करेंगे, तो ग्लास पर पॉजिटिव और सिल्क एंड कैट फर पर नेगेटिव, फाइन। ये आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज है। नो डाउट ये काफी पुरानी सीरीज है, इसके ऊपर अब इतनी ज्यादा बातचीत नहीं होती है, बट एटलीस्ट हमें बेसिक्स पता होने चाहिए। अ बॉडी इज चार्ज्ड और हैविंग नो चार्ज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेट चार्ज, अब हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। किसी भी बॉडी के पास में बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं, बिकॉज ऑफ बॉडी एंड द मैटर इज मेड बाई द टाइनी टाइनी पार्टिकल्स एंड द फंडामेंटल पार्टिकल्स आर फॉर अस द फंडामेंटल पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हैविंग द नेगेटिव चार्ज एंड द प्रोटोन हैविंग द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। एंड इन द बॉडी देर आर सो मैनी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, बट दे आर इक्वल इन नंबर्स। सो वेन इन अ बॉडी द चार्जेस आर इक्वल्स इन नंबर, देन वॉट विल हैपन? पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। सो व्हाट विल बी द नेट चार्ज? सो द नेट चार्ज ऑफ द बॉडी विल बी जीरो, बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज एंड द नंबर ऑफ नेगेटिव वैल्यूज आर इक्वल, फाइन। सो द नेट चार्ज इज जीरो। देन व्हाट विल हैपन एग्जैक्टली इफ आई ट्रांसफर वन इलेक्ट्रॉन, इफ आई ट्रांसफर वन इलेक्ट्रॉन टू द अनदर बॉडी, फाइन। तो
अगर एक इलेक्ट्रॉन को मैं यहां ट्रांसफर कर दूंगा, तो फॉर एग्जाम्पल सिंप्लिसिटी यू कैन सी हेयर 1, 2, 3, 4, 5 टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस कितने हैं, 5, फाइन। और टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस कितने थे, 1, 2, 3, 4, 5, फाइन। सो टोटल वैल्यू कितनी आ गई चार्ज की, यानी कि नेट चार्ज इज इक्वल टू 0। बट अगर मैं इसमें से एक चार्ज को रिमूव आउट करूंगा, निकाल दूंगा, तो देखिए क्या होगा, बेसिकली द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस बिकम्स 5, फाइन, एंड द नाउ द नेगेटिव चार्जेस रिमेन्स, दैट इज 4। सो व्हाट विल बी द नेट चार्ज नाउ? सो वी कैन से आफ्टर रिमूविंग दिस इलेक्ट्रॉन, आफ्टर रिमूविंग दिस नेगेटिव चार्ज, द बॉडी बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, फाइन। इन द सेम फैशन, इन द सेम फैशन यहां पर मेरे पास एक दूसरी बॉडी है, यहां पर भी कुछ चार्जेस हैं, यहां पर भी कुछ चार्जेस हैं, फाइन, यहां पर भी कुछ चार्जेस हैं, इसका भी नेट चार्ज 0 है। मैंने इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया और इस इलेक्ट्रॉन को यहां रख दिया, बताइए अब इसके पास नेट चार्ज कितने हैं? तो टोटल वैल्यू ऑफ पॉजिटिव चार्ज कितने हैं, 3, एंड टोटल वैल्यू ऑफ नेगेटिव चार्जेस आर 4। सो व्हाट इज द नेट चार्ज, द नेट चार्ज इज -1, फाइन, द नेट चार्ज इज -1, मींस नेगेटिव चार्ज, दिस बॉडी बिकम्स, आफ्टर रिसीविंग दिस नेगेटिव चार्ज, दिस बॉडी बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, फाइन, एंड दिस बॉडी बिकम्स पॉजिटिव चार्ज, fine. So how this is the thing, how the body having the positive charge and having the negative charge. So the two important things you have learned here, that is what, if there is a body, every body in the universe is neutral body. What is the meaning of neutral body? That is the net charge is 0. When net charge is 0, the number of positive and the number of negatives are 0, are equal in numbers, fine. If negative charge remove out from one surface and it put and put this negative charge to the another surface, then the previous surface becomes positively charged and the second surface becomes negative charge, fine. And this is the thing, how the charge develops. I have the glass rod, fine, I have the glass rod and I rub it on the silk cloth. What is happening? This becomes पॉजिटिवली चार्ज एंड दिस बिकम्स नेगेटिवली चार्ज. व्हाई? बिकॉज ऑफ इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके पास रह जाता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, रीअरेंजमेंट हुआ. सो लेट्स थिंक, अगर इस बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज आता है और सिल्क क्लॉथ के पास नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, क्या इसके मास में कुछ डिफरेंस आता है? यस, मास में चेंज आएगा, बिकॉज चार्ज तभी क्रिएट हो सकता है जहां पर मैटर हो, ठीक है ना. और व्हेन द चार्ज इज क्रिएटेड ऑन वन बॉडी एंड अनदर बॉडी, तो कौन ट्रांसफर करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है एक सरफेस से दूसरे सरफेस पर. एंड इलेक्ट्रॉन इज व्हाट, इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल, और इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है यानी कि मैटर है, मैटर के पास मास होता है. तो जब इलेक्ट्रॉन एक सरफेस से दूसरे सरफेस पर मूव करेगा, तो ऑब्वियसली पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से मास की कमी होगी और नेगेटिवली चार्ज बॉडी पर मास की एक्सेस हो जाएगी. सो ऑलवेज द पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इज लाइटर देन द नेगेटिवली चार्ज बॉडी, फाइन. सो दिस इज द थिंग, हाउ द चार्ज इज क्रिएटेड, फाइन, एंड व्हाट विल हैपन, बाय विच पार्टिकल द चार्ज इज क्रिएटेड, बाय विच पार्टिकल मूवमेंट द चार्ज इज क्रिएटेड. द चार्ज इज क्रिएटेड बाय मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है. सो मूवमेंट किसको करना है, इलेक्ट्रॉन को ही मूवमेंट करना है, ठीक है. न्यूक्लियस मूवमेंट नहीं करता, ठीक है. न्यूक्लियस एक बंच है, किसका, प्रोटॉन्स का बंच है, जो कि सेंटर में रहता है. और वो न्यूक्लियस यानी कि प्रोटॉन्स जो हैं, जो सेंटर है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करते हैं, ठीक है. तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में सेपरेशन है, तो कौन इजेक्ट आउट हो सकता है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो सकता है, ठीक है. सो चार्ज डेवलप होता है इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से. अब हम लोग इलेक्ट्रॉन थ्योरी, इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए जो बनाई गई, उसके बारे में एक कुछ हाईलाइट पॉइंट्स स्टडी करते हैं. ये सभी पॉइंट्स से आप बिल्कुल फैमिलियर हैं, क्योंकि शुरुआत से लेकर अभी तक जितना मैंने डिस्कशन किया है, ये सारे पॉइंट यहीं से ही है, फाइन. सो नाउ न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड व्हाइल इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है. ये सबसे पहला पॉइंट है हमारा.
नेक्स्ट पॉइंट है, एवरी एटम एवरी बॉडी इज न्यूट्रल बिकॉज ऑफ देर आर इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स. सो द नेगेटिव चार्ज एंड द पॉजिटिव चार्ज इन द बॉडी आर इक्वल इन नंबर्स, सो द नेट चार्ज ऑफ एन एटम इज जीरो. फाइन, दूसरा पॉइंट हो गया. थर्ड पॉइंट जो है, व्हाइल रबिंग एक्शन टेक्स प्लेस, जब भी हम बॉडीज को चार्ज करने के लिए रबिंग एक्शन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर ट्रांसफर होता है. And this explains the development of the charges, and this also explains that how the body becomes charged positively or positively or negatively. Fine, and this shows that the two body acquires the two types of charges. ठीक है, number one positive charge and negative charge. The body which having the excess number of electrons. Fine, that body is negatively charged body because of. If excess number of electrons means the number of positive charges are less, the number of negative charges are greater. So the negative value is greater and the positive value is smaller. So what is the addition? The value is negative. So the body becomes negatively charged. Fine. Only electron is responsible for the electrification because of the proton, and hence the nucleus is the centermost part of the electron. And it is so heavier. Fine. अगर ये ज्यादा, और कितना हैवी है इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन के मास के कंपेरिजन में 1837 टाइम्स हैवी है. कौन? प्रोटॉन. तो इतना हैवी है तो बताइए, अगर मैं एक छोटा से छोटा फोर्स लगाऊंगा, एक इलेक्ट्रॉन को इस सरफेस से इस सरफेस पर ट्रांसफर करना चाहूंगा, तो छोटा फोर्स लगाकर कौन से पार्टिकल को मैं ट्रांसफर कर सकता हूं? लाइटर और हैवी? तो ऑब्वियसली लाइटर. सो दैट ओनली एंड ओनली द इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन. ठीक है, इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए केवल और केवल इलेक्ट्रॉन, ये बिल्कुल दिमाग में रख लेना आप लोग, इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल है. फाइन, द चार्ज द लास्ट द चार्ज कैन नॉट बी कैरीड आउट विदाउट पार्टिकल. चार्ज बिना पार्टिकल के मूव नहीं कर सकता. क्यों? स्टार्टिंग में ही बताया था कि मास के पास दो प्रॉपर्टीज होती हैं, एक इनहेरिएंट होती है प्रॉपर्टी और एक डेवलप कराई जाती है. मास है तो उनके दो मासेस हैं, तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं. ठीक है, अरे छोटे मास हुए तो कम ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ऑब्जर्व नहीं कर सकते. बट दूसरा हमने फोर्स एनकाउंटर किया था, कौन सा फोर्स एनकाउंटर किया था? इलेक्ट्रिकल फोर्स. और वो कब डेवलप होता है? वो इनहेरिएंट नहीं होता, वो डेवलप होता है जब मैं एक बॉडी को दूसरे बॉडी पर रब करूंगा. तो अब हमारे माइंड में हमने यहां पर यह चीज सीखी कि हमारे लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है चार्ज क्रिएट करने के लिए? इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो अब हम लोग इलेक्ट्रॉन के ऊपर बात करेंगे. लास्ट सेवेंथ पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन थ्योरी इज दैट व्हाट इज द फंडामेंटल चार्ज. द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज द फंडामेंटल चार्ज बिकॉज ऑफ In the earlier points, we have already studied that कि चार्ज चाहे पॉजिटिव डेवलप हो रहा है चाहे नेगेटिव डेवलप हो रहा है, बट मूवमेंट किसको करना है? इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट करना है. तो हमें यह जानना चाहिए कि फंडामेंटल चार्ज किसे बोलेंगे. तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम फंडामेंटल चार्ज बोलेंगे. ठीक है, अब इसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है. क्या वैल्यू होती है इसकी? दैट इज 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्स. ठीक है, कूलम इज ऐसा यूनिट, एंड इन शॉर्ट यू कैन राइट सी एज अ कूलम. फाइन, सो द न्यूमेरिकल वैल्यू इज 1.6 × 10⁻¹⁹. नाउ द थिंग इज दैट व्हाट विल हैपन इफ अ बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज, इफ अ बॉडी इज नेगेटिव. बॉडी के पास में एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, ठीक है, तो उसके पास जो चार्ज क्रिएट होगा वो एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से क्रिएट होगा. फॉर एग्जांपल, इस बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन मूव किया. फाइन, एक इलेक्ट्रॉन मूव किया और दूसरी बॉडी के पास एक इलेक्ट्रॉन रिसीव हुआ. ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है और इस दूसरी बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है. तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वैल्यू क्या है? जस्ट इसको सोचने की कोशिश करिए. मेरे पास दो बकेट हैं, एक बकेट से मैंने पानी निकाला, एक मग पानी निकाला और दूसरे बकेट में डाल दिया, तो जितना यहां पानी कम हुआ उतना यहां पानी इंक्रीज हो गया. तो अल्टीमेटली हम क्या बोलेंगे कि इस पर कितना चार्ज है? 1 + 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम. और यहां कितना नेगेटिव चार्ज हो गया? −1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम. ठीक है, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है? इन दोनों का मैग्नीट्यूड है
1.6 इंटू 10 रेस टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, तो अब से आप लोग याद रखेंगे, चाहे चार्ज पॉजिटिव है चाहे चार्ज नेगेटिव है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 1.6 इंटू 10 रेस टू द पावर माइनस 19 कूलम है। नाउ अब हम लोग थोड़ी सी प्रॉपर्टीज के बारे में आगे बढ़ते हैं, फिर इनके एक्शंस के बारे में और आगे बढ़ेंगे हम लोग। थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करिए, मेरे पास एक ग्लास रॉड है और मैंने इसको सिल्क क्लॉथ पर रब किया। ऑब्वियसली ग्लास रॉड पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। ठीक है, सिल्क क्लॉथ पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। अब मैंने क्या किया, एक दूसरा ग्लास रॉड लिया और एक दूसरा सिल्क क्लॉथ लिया, और फिर मैंने दोबारा से उस ग्लास रॉड को, सेकंड ग्लास रॉड को सेकंड सिल्क क्लॉथ से रब किया। अगेन ग्लास रॉड पर चार्ज कौन सा आएगा? पॉजिटिव। और सिल्क क्लॉथ पर चार्ज कौन सा आएगा? नेगेटिव। फाइन, अब देखिए यहां पर क्या क्या यहां पर सिस्टम आएगा, हम ये देखना चाहते हैं कि इनका बिहेवियर क्या है, इनका नेचर क्या है। ठीक है, नाउ मेरे पास दो चीजें हैं, ग्लास रॉड एंड सिल्क क्लॉथ। ठीक है, नाउ व्हाट विल हैपन इफ आई प्लेस अ ग्लास रॉड हेयर। ठीक है, ये मैंने ग्लास रॉड को सस्पेंड कर दिया यहां पर। ठीक है, और यहां पर मैंने जो सस्पेंड किया किसको, एक दूसरी ग्लास रॉड को, दिस इज द ग्लास रॉड वन एंड द ग्लास रॉड टू। व्हाट विल हैपन, इनके बीच में एक सेपरेशन क्रिएट होता है। कैसा क्रिएट होता है? सेपरेशन। हमने क्या बताया, ग्लास रॉड पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। इस पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। दूसरे वाले ग्लास रॉड पर भी चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव। ठीक है, हमने क्या देखा, इनके बीच में एक सेपरेशन क्रिएट हुआ। इट मींस व्हाट विल हैपन कि अगर मैं दोनों ग्लास रॉड को, दोनों चार्ज्ड ग्लास रॉड को अगर सस्पेंड कर रहा हूं, तो उनके बीच का सेपरेशन इंक्रीज हो जाता है। इट मींस सेपरेशन तभी इंक्रीज होता है जब ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगी, रिपेल करेंगी। इट मींस चार्जेस दोनों पर सेम थे और सेम चार्जेस एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बताइए, रिपेल कर रहे हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई, एक बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं, अभी प्रॉपर्टीज और भी हैं चार्जेस की। ठीक है, तो बेसिक प्रॉपर्टी क्या हो गई, द सिमिलर चार्जेस और द लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर। ठीक है, नाउ लेट्स मूव हियर, व्हाट विल हैपन, अगर सिमिलर चार्जेस रिपेल करने चाहिए तो दोनों सिल्क क्लॉथ पर नेगेटिव चार्ज आना चाहिए था। ठीक है, नेगेटिव चार्ज था और दोनों सिल्क क्लॉथ भी एक दूसरे को क्या करने चाहिए, रिपेल करने चाहिए। तो यहां पर मैंने पहले सिल्क क्लॉथ को क्या किया, सस्पेंड कर दिया, यहां पर मैंने दूसरे सिल्क क्लॉथ को भी सस्पेंड कर दिया। दोनों पर चार्ज कौन से थे, नेगेटिव। दोनों पर चार्ज कौन से थे, नेगेटिव। फाइन, व्हाट आई फाउंड दैट ये भी एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, रिपेल करते हैं। क्यों रिपेल करते हैं, बिकॉज ऑफ दे आर लाइक। ठीक है, तो इसको हमने प्रॉपर्टी बना दिया, दैट इज लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर। फाइन, नाउ अब एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं हम लोग। अब मैंने क्या किया, मैंने एक ग्लास रॉड ली। ठीक है, ये मैंने एक ग्लास रॉड ली यहां पर। ठीक है, और इस ग्लास रॉड को के साथ में मैंने किसको किया, यहां पर सस्पेंड कर दिया, एक सिल्क क्लॉथ को सस्पेंड कर दिया। ग्लास रॉड पर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। सिल्क क्लॉथ पर कौन सा चार्ज, नेगेटिव। मैं क्या देखता हूं कि दोनों एक दूसरे के पास आते हैं, इसका मतलब अनलाइक चार्जेस क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। फाइन, तो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो ये एक बेसिक प्रॉपर्टी है कि लाइक चार्जेस क्या कर सकते हैं और अनलाइक चार्जेस क्या कर सकते हैं। नाउ मूव टू द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, आई एम टॉकिंग अबाउट द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। जनरली वी हैव स्टडीड few properties that like charges repel to each other, unlike charges attract to each other. Beyond this, there are three more fundamental properties of charges. Number one, additivity of charges. What is the meaning of additivity of charges? If on a surface there are five positive charges, if I place one negative charges, then what is the net charge on the body? That is 5 positive charge, 1 negative charge. It means the total charge on the body now is 4 plus charges. Fine. So that is the first property states that the total property, the total charges on a surface is Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4 and so on. What is the meaning? That is the charge can be add or subtract with the simple arithmetic operations. Because of we can add or subtract vectorially and arithmetically, algebraically, but it follows the simple arithmetic operations, simply only. Fine, because of charge have two nature, that is, it is positive and as well as it is negative. The second property is that
चार्ज इज क्वांटाइज्ड, फाइन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइज्ड, हु कैरीज द चार्ज, इलेक्ट्रॉन कैरीज द चार्ज, बाय विच कॉज द चार्ज क्रिएटेड, बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स द चार्ज क्रिएटेड, सो ओवरऑल द फंडामेंटल कॉज इज इलेक्ट्रॉन, एंड द इलेक्ट्रॉन इन द मैटर एज एंड हेंस इन द एटम इज द फंडामेंटल बेसिक एंड स्मॉलेस्ट पार्टिकल, फाइन. If I break the electron in order to find what is the another fundamental particle, it means no particle is smaller than the electron. Fine. I am not talking about the quark because of our all theory is on the basis of electron. So I am talking about the electron. And note, my dear students, that आपके लिए भी fundamental particle कौन है? Electron है. ठीक है? आपको electron ही fundamental particle समझना है अभी. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. तो जब भी चार्ज क्रिएट होना है एक सरफेस से एक सरफेस पर बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा. मैं ये नहीं बोलूंगा कि आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, नहीं. द क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज फिक्स बिकॉज ऑफ इट इज द फंडामेंटल इन इट्स नेचर. सो द टोटल चार्ज ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज द इंटीग्रल मल्टीपल, नॉट द डेसिमल मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल चार्ज, फाइन. सो द टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज क्यू इक्वल टू एन ए. नाउ लेट्स सी वन एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल द हाइड्रोजन एटम, फाइन. इन द हाइड्रोजन एटम वट आर द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, दैट इज वन पॉजिटिव चार्ज एंड वन नेगेटिव चार्ज, फाइन, एंड नेट चार्ज इज जीरो. In the helium atom, what are the number of positive charges? It means 2. And what are the number of electrons? That is 3. It's again 2. In the helium atom, what is the total positive charge? 2. What are the total negative charge? Again, it is 2. So what will be the net charge? 0. Because of negative charge, the number of negative and the number of positives are similar. Fine. So the net charge is zero. Similarly, if there is one electron, then charge is 1e. There are two electrons, then charge is 2e. There are three electrons, then charge is 3e. So if there are n number of electrons, then how many charges are there total? That is Q is equal to Ne. What is Q here? The symbol of charge. Fine. The notation of charge. N is the number of free electrons, ठीक है, the number of particles, the number of charges, and E is what? The fundamental charge, the value of fundamental charge, fine. Now the third property is that the charge is conserved. Electron अपने आप में एक fundamental है, हम इसको ना तो create कर सकते हैं और ना ही हम इसको destroy कर सकते हैं, but we can transfer this electron from one surface to another surface, fine, we cannot destroy it. So the net charge remains constant. Fine. This is what? This is the conservation of charge. This property is known as the conservation of charge. For example, agar mere paas ek glass rod hai, agar main isko silk cloth par rub karunga, glass rod ko silk cloth par, note kya bataya tha maine, positive and this negative. To jitne iske paas positive charges aayenge, utna hi iske paas negative charges aayenge. Kyun? क्योंकि ग्लास से इलेक्ट्रॉन सिल्क पर ट्रांसफर हुआ, अगर दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो ग्लास के पास टू पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन सिल्क के पास में दो नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे. सो द वैल्यू, व्हाट इज द टोटल वैल्यू, द टोटल नंबर ऑफ प्लस चार्ज एंड द टोटल नंबर ऑफ माइनस चार्ज इज इक्वल टू जीरो. सो दिस इज व्हाट, दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे, सीखेंगे कि पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज बॉडी हम किस तरीके से बना सकते हैं, कौन कौन से और प्रोसेस हो सकते हैं, क्योंकि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी हम लोग स्टडी कर चुके हैं, चार्ज बाय फ्रिक्शन वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, फाइन. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज चार्ज बाय इंडक्शन, दैट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू सो मच.